जनरेटर पे हमारा करंट नहीं आ रहा या फिर डायोड उड़ गया है। बहुत से प्रॉब्लम होते हैं जिससे डायोड उड़ जाते हैं ओवरलोड चलाने पे या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये डायोड उड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायोड को कैसे इजीली बदल सकते हैं और साथ में इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायोड का कनेक्शन कैसे करते हैं और साथ में इसको कैसे लगाते हैं। डायोड बदलने से पहले डायोड का प्लस माइनस जानना बहुत ही ज़रूरी है। डायोड का जो प्लस होता है उसके ऊपर में आपको सफ़ेद जैसे लाइन देखने को मिलता है, वो डायोड का प्लस होता है, और बाकी नीचे काला वाला वो माइनस सिरा होता है। तो चलिए आप इसको कनेक्शन करके दिखाते हैं कि इसको हम कैसे इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चार डायोड जो कि 5408 का डायोड है, और भी बहुत सारे डायोड होते हैं उनका भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो चलिए चार डायोड ले लेते हैं पहले। इन चार डायोडों से हमारा सर्किट पूरा होता है, इस वजह से हमको करंट सप्लाई देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसको सर्किट बना सकते हैं। सभी जनरेटर के अंदर आपको चार वायर देखने को मिलता है, दो डीसी वायर और दो एसी वायर। आपको एसी वायर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, आपको सिर्फ डीसी वायर पे ध्यान देना होगा कि डीसी का प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। हमारा डीसी का जो प्लस है उसमें देखिए रेड दाग दिया गया है, वो हमारा डीसी का प्लस है, और ये हमारा डीसी का माइनस। आपको बस डीसी प्लस और माइनस को ध्यान देना पड़ता है कि डीसी का प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। फिर आपको एक डायोड लेना है, फिर डीसी का जो प्लस है वो डायोड का प्लस के साथ कनेक्ट होगा। डीसी का प्लस और डायोड का प्लस दोनों का सिरा एक ही ओर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। पहले डायोड को आप डीसी के प्लस के साथ इस तरह से कनेक्ट करिएगा, डीसी का प्लस और डायोड का प्लस दोनों का सिरा एक ही ओर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। फिर से एक हम दूसरा डायोड ले लेंगे, दूसरे डायोड का भी प्लस और डीसी का जो वायर का प्लस है दोनों का सिरा एक ही ओर करेंगे, कुछ इस तरह से। डीसी का प्लस और डायोड का जो प्लस है दोनों का सिरा एक ही ओर करेंगे, कुछ इस तरह से। दोनों ही डायोड का जो सिरा होता है प्लस वाला वो डीसी वायर के प्लस के साथ कनेक्ट होगा, और जो तीसरा डायोड का कनेक्शन होगा वो दूसरे डायोड के माइनस के साथ उसका कनेक्शन होगा। दूसरे डायोड का माइनस और तीसरे डायोड का प्लस होगा, कुछ इस प्रकार से। और फिर से हम एक डायोड लेंगे जो कि चौथा नंबर वाला डायोड होगा। तीसरे नंबर वाला डायोड के माइनस और चौथे नंबर का डायोड जो है उसका माइनस, दोनों डीसी माइनस में कनेक्शन होगा। और इसी तरह के कनेक्शन से हमारा सर्किट पूरा होता है और हमको पावर सप्लाई देखने को मिलता है। और हमारे आने वाले वीडियो में हम इन दोनों डायोडों में से कौन सा डायोड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, 5408 या फिर 6A4, इन दोनों डायोडों में से बेस्ट हमारे जनरेटर के लिए कौन सा डायोड रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के न्यू डीजे या फिर जनरेटर से रिलेटेड न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।